हेलो विद्यार्थियों, जब हमने बिहारी की विस्तृत चर्चा की थी, वहाँ हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि बिहारी ने जो पद लिखे हैं वह केवल श्रृंगार से संबंधित ही नहीं है, उसमें नीति और भक्ति से संबंधित उनके पद भी सम्मिलित हैं। कुछ इसी तरह के पद को आज व्याख्या के माध्यम से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले पद को पढ़कर देखते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। पद इस प्रकार है, दीर्घ सांस न ले ही दुख सुख साई है, न भूली दई दई क्यों करत है, दई दई सुख कबूली। उनका जो पद हमारे सामने है वह जीवन की सच्चाई को अभिव्यक्त करने वाला है। हम भगवान से जब भी भगवान के सामने खड़े होते हैं कुछ न कुछ मांगते हैं, मतलब जो कुछ उन्होंने दिया है उससे हम असंतुष्ट हैं और कुछ मांगते हैं। कभी ये नहीं कहते कि भगवान जो तैने हमें दिया है वो बहुत कुछ दिया है। भगवान जो कुछ हमें देता है वो कुछ सोच कर ही देता होगा। यदि हम उसी में संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार की बात को यहाँ पर समझाना चाहते हैं कविवर बिहारी, और इसीलिए वे इस छोटे से पद में जो कुछ भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं वह भाव है, वो कहते हैं दीर्घ सांस न ले दुख। दीर्घ अर्थात लंबे लंबे, सांस अर्थात श्वास, न ले दुख। जब दुख आता है हमारे ऊपर तो लंबे लंबे श्वास हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दुख आता है हम घबरा जाते हैं और लंबी लंबी श्वास लेना प्रारंभ कर देते हैं, जो घबराहट की प्रतीक है। हमारे असंतुष्ट मस्तिष्क की, हमारे असंतुलित मस्तिष्क को अभिव्यक्ति देती है। आगे कभी कहते हैं सुख साई ही न भूली, और सुख में साई ही अर्थात ईश्वर को न भूली मत भूल। जब हमें सुख होता है तो हम कहते हैं कोई अच्छा काम हुआ तो हम कहते हैं ये हमने किया है, पर जब कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। तो जब भगवान ने बुरा हमारे साथ किया है तो अच्छा भी भगवान ने ही किया होगा, इस बात को हम भूल जाते हैं। और जब अच्छा वक्त होता है तो भगवान को हम याद नहीं करते। यदि हम भगवान को, परमात्मा को हमेशा याद रखें तो दुख की बात ही सामने नहीं आएगी, हम किसी बात से दुखी ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास होगा। जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता के ऊपर विश्वास होता है कि वह कभी उसे गिरने नहीं देंगे, वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, ठीक उसी तरह से यदि भगवान पर हमारा विश्वास हो तो फिर हम ये सोचेंगे भगवान जो कुछ हमें दे रहा है वह हमारा हित समझकर दे रहा है और हम उसी में खुश रहेंगे। परंतु हम ऐसा होता नहीं है, तो वो कहते हैं सुख साई न भूली। जब सुख हो, अच्छा वक्त हो, तब व्यक्ति तुम भगवान को मत भूलो, और जब दुख आ पड़े तो उसमें लंबे लंबे श्वास मत लो अर्थात असंतुलित मत हो। अपने मस्तिष्क में, विचारों में संतुलन बनाए रखो और जो परेशानी आई है उसका साहस के साथ, धैर्य के साथ मुकाबला करो। आगे कभी कहते हैं देई देई क्यों करत है, हे प्राणी तू देई देई, भगवान ने मुझे ये दिया है, भगवान ने मुझे वो दिया है, ऐसा दिया है, वैसा दिया है। हम हमेशा मीन में ही निकालते रहते हैं, कमी ही निकालते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने से ऊपर वाले समृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और अपने से नीचे वाले को नहीं देखते। यदि हम ये देख लें कि जिस स्थिति में हमें उससे बदतर स्थिति में बहुत सारे लोग हैं तो हमें लगेगा हम अच्छी स्थिति में हैं, परंतु हम ऐसा नहीं देखते। दूसरी स्थिति ये होती है कि हमें अपनी परेशानियां महसूस होती है और सामने वाले की समृद्धि दिखलाई देती है। हमें ये नहीं पता कि उसके जिस भी जीवन को वो जी रहा है उस जीवन में उसके साथ कितनी परेशानियां हैं, और हमें लगता है कि उसका जीवन सुखी है और हमारा जीवन दुखी है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं देई देई क्यों करते हैं, कि तुम ये दिया है वो दिया है, परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो कम दिया है, इस तरह की बात क्यों करता रहता है। हे प्राणी दई दई सुख कबूली, जो कुछ तुझे दई दई अर्थात दिया है परमात्मा ने उसको तू कबूल कर, उसे स्वीकार कर और उसी में सुख और संतोष के साथ अपना जीवन बिता। इस तरह की संतोष वाली बात, ईश्वर में आस्था वाली बात यहाँ पर नैतिकता के माध्यम से कवि अभिव्यक्ति दे रहे हैं। एक पद और देखते हैं हम,
जगत जनायो जीही सकलु सो हरि जानियो नाही जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाई। कवि यहाँ पर बता रहा है कि हम सारे संसार को देखते हैं, जिस ईश्वर ने सारे संसार को दिखाया है उसे देखते हैं, परंतु जो ईश्वर इस सारी सृष्टि का निर्माण करता है हम उसे तो देखते ही नहीं है। बहुत सीधा सा उदाहरण है, ये व्यक्ति सुंदर है, ये ऐसा लगता है, वो वैसा लगता है, हम केवल उसकी शक्ल सूरत शरीर को देखते हैं, उसके अंदर की आत्मा को नहीं देखते। परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ इसके अंदर था वही मुख्य था, जिसे हमने अभी तक नहीं देखा। ये शरीर तो अब निर्जीव हो गया है क्योंकि वो जो अंदर था वह चला गया है। और फिर जिस शरीर पर हम अभी तक आकर्षित थे हम उस शरीर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं, चाहे उसका रूप कोई सा भी हो। इसलिए उस परमात्मा को हमें जानना चाहिए, उस परमात्मा को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे यहाँ तो चार जो जीवन के पुरुषार्थ माने गए हैं अंतिम लक्ष्य, उसमें इसीलिए मोक्ष को माना गया है। धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। परंतु ये अंतिम लक्ष्य हम वानप्रस्थ के बाद पाने की सोचेंगे तो कभी भी नहीं पा पाएंगे। हमें बचपन से ही अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, ईश्वर में आस्था और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में संतुलन बना रह सकेगा। इस बात को यहाँ पर कवि अभिव्यक्ति देते हैं। वो कहते हैं जगतु जनायो जीहु सकल, जगतु संसार को जनायो दिखाया, संसार का ज्ञान कराया, जीही जिस परमात्मा ने सकलु सहित संपूर्ण संसार का, जिस परमात्मा के द्वारा ज्ञान कराया गया है, सो हरि जान्यो नाही, हे प्राणी हे मनुष्य तेने उस हरि को ही जान्यो नहीं, उसी को नहीं जाना, उस परमात्मा को ही तेने नहीं पहचाना, उसी को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे एक बहुत ही सामान्य उदाहरण वो दे रहे हैं, जो जैसे आँखिन सब देखिए, आँखों से सब कुछ देखा जाता है, हम आँखों से सारी सृष्टि को देखते हैं, आँख ही न देखी जाही, परंतु हम अपनी ही आँखों से अपनी आँख को नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि से हमारा साक्षात्कार करवाया है हम उस परमात्मा को नहीं जानते, जबकि इस सृष्टि में रहते हुए उस परमात्मा के सौंदर्य को हमें सारी सृष्टि में सब वस्तुओं में देखना चाहिए, उस परमात्मा से हमें साक्षात्कार करना चाहिए, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह की बात कवि या ब्रज भाषा के माध्यम से बहुत सुंदर उदाहरणों को देते हुए अभिव्यक्ति दे रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।